हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। बेसिकली मुझे किसी एक ऑफिस से कॉल आया था कि उनके पास कुछ लिस्ट ऑफ द नेम है और इस नेम को हिंदी में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पूजा जो है हिंदी में करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है कि फॉन्ट वगैरह वो डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कैसे होगा? तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और करने का तरीका देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। इन फ्यूचर में कभी भी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कुछ एफिडेंस और शो कॉज नोटिस वगैरह जब लोग निकालते हैं तो उसमें हमें हिंदी भी देना जरूरी होता है। एक दो बार मैं इस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व किया था अपने वर्किंग लाइफ में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किया तो प्लीज मेरे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे मोबाइल ऐप में बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, वीडियोज हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज वगैरह हैं। चैट सेक्शन में आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेंगे, जहां पे मैं डेली बेसिस पे वैकेंसीज वगैरह की अपडेट देता हूँ। ये सारे लोग मुझसे कनेक्टेड है और जो भी कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी वैकेंसीज वगैरह होती है, ये एक्सेल एम आई एस नाम का ग्रुप है, जो भी लोग डाउनलोड करते हैं ऐप को उसको मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जो भी वैकेंसी निकलती है मैं डाल देता हूँ। जैसे कल वैकेंसी निकली थी एचआर एनालिटिक्स की गुड़गांव में, तो यहां हमने डाला हुआ है। तो इस तरह की चीजें भी आपको मिलती रहेगी अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, वीडियो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कर लें या फिर प्ले स्टोर पे जाए और एक्सल एम आई एस ट्रेनिंग सर्च करें। जी हाँ, एक्सल एम आई एस ट्रेनिंग सर्च करें, वहां पर आपको दिख जाएगा। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, हम प्रॉब्लम के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि इस नाम को कैसे हिंदी में कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी टाइपिंग करना, नहीं टाइपिंग नहीं करना, क्योंकि मेरे पास अभी तो चलो 19 है, ऐसे 20 नाम हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं। तो नाम को थोड़ा सा जल्दी करना है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट पे चले जाइए। देखिए एक्सेल में कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो यहाँ रिव्यू में आपके पास होता है ट्रांसलेट और इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेट। तो हिंदी यहाँ पर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया और हमने इस पर हिंदी कर दिया। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ट्रांसलेट हो गया, आपको शो हो गया लेकिन दिख नहीं रहा। और इसने भी ट्रांसलेट किया है जिसका कोई ये नहीं है। अब यहाँ देखिए चटती ले दिया, पूजा होना चाहिए था तो चटती दे दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो इसमें हम इसको कॉपी करते हैं और गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं, सही ढंग से यह ट्रांसलेट कर देता है। इसको पेस्ट करें, देखिए यहाँ आ गया है, कॉपी करें और इसको पेस्ट करें, एक ही सेल में आ गया है। ये कॉपी मत कीजिएगा, यहां से कर लीजिएगा। और कोई अगर नाम अगर सही से नहीं है तो आप यहाँ उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। तो पहला तरीका तो सिंपल तरीका यह है
कि आप वहां पर डालिए, फिर वहां से उठाइए और यहां पर पेश कर। और दूसरा तरीका है कि आप जो है इसमें गूगल सीट में जा सकते हैं। जी हाँ, गूगल सीट। गूगल सीट में कैसे जाइएगा? तो आपको खोलना होगा ड्राइव। ड्राइव जब खोलेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे आपको सीट्स मिलेंगे जो आपको सेव होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे न्यू पे आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू, यहाँ से आप गूगल सीट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ ब्लैंक और यहाँ पे हम इसको नेम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है गूगल ट्रांसलेट नाम का एक फॉर्मूला जो गूगल सीट पे होता है। इसमें आपको सिलेक्ट किया और इसमें आता है सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज क्या है? तो हमने दिया EN, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म होता है EN। और हिंदी में करना है, हमने आप HN कर दिया, हिंदी का होता है HN। और यहाँ पे इसको एंटर कर, फर्स्ट लेटर ही लेता है, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। जितने भी नेम है वो सारे नेम यहाँ पे कन्वर्ट होगा। अगर मान लीजिए मुझे पास हिंदी में नाम है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको, तो भी आप यहां सिंपल गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हमने दे दिया कि मुझे एच आई से ई एन में ट्रांसफर करना है। लेकिन दिक्कत होता है कविता नेम है बट यहां पे कविता पोएम आ गया, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। तो हिंदी ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, हमने तरीका आपको बताया। आपके एक्सेल में भी ट्रांसलेटर है, वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं, बट सही ढंग का ट्रांसलेशन नहीं कर पाता। लेकिन गूगल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश अच्छे तरीके से कर देता है, सॉरी इंग्लिश टू हिंदी अच्छे तरीके से कर देता है। हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करने में दिक्कत नहीं, इंग्लिश टू हिंदी करने में दिक्कत नहीं होती, बट हिंदी टू इंग्लिश करने में दिक्कत हो जाती है। तो दोनों तरीके हमने आपको बताया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करें। अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा और फटाफट मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।